हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम दुनिया भर में हर एक मिनट में जन्म और मृत्यु की संख्या को लाइव देखेंगे और साथ ही कोरोना संक्रमित होने वाली संख्या को भी देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका बंधु और मेरे चैनल स्मार्ट बंधु में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं और ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर का ओपन करेंगे और इसमें सर्च करेंगे वर्ल्डोमीटर। वर्ल्डोमीटर जैसे ही हम वर्ल्डोमीटर सर्च करेंगे, फर्स्ट वाले आएगा वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के नाम से। हम इसे ओपन करेंगे और जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लाइव चल रहा है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर बता रहा है वर्तमान विश्व की जनसंख्या, ये भी लाइव चल रहा है। यहाँ पर बता रहा है इस साल का बर्थ यानी इस साल का जन्म बता रहा है, जो कि लाइव चल रहा है, और आज का जन्म बता रहा है, ये भी लाइव चल रहा है, और इस साल की मौत बता रहा है, ये भी लाइव चल रहा है, आज की मौत बता रहा है, ये भी लाइव चल रहा है। यहाँ पर सब कुछ लाइव चल रहा है। यहाँ पर सरकार की अर्थव्यवस्था है, खर्च है, सब लाइव चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं अब कोरोना वायरस का अपडेट। यहाँ पर दिया है कोरोना वायरस अपडेट, हम इसे टच करेंगे। जैसे ही ये ओपन होगा, देखिए यहाँ पर सब पर बता रहा है कि अभी तक कोरोना के कितने केस आ चुके हैं, कोरोना से कितने मौत हो चुकी हैं, कितने आदमी बरामद हो चुके हैं। और हम जैसे ही नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बता रहा है किस देश में कितना लोगों को कोरोना हो चुका है, यहाँ पर सारा रिकॉर्ड बता रहा है। तो अगर हम भारत के देखना चाहते हैं तो हम भारत पर टच करेंगे। जैसे ही भारत का ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए भारत में अभी तक कितना कोरोना के केस हो चुके हैं, कितना लोगों की मौत हो चुकी है, कितना लोग अभी तक बरामद हो चुके हैं यानी कि रिकवर हो चुके हैं। और हम इसको और नीचे ले जाएंगे, और नीचे जाएंगे, नीचे थोड़ा और जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आज अभी तक अपडेट बता रहा है अभी तक यानी कि 24 अप्रैल को भारत में कितना कोरोना का केस आ चुका है। यहाँ बता रहा है 8025 बता रहा है। और हम 23 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3,45,000 बता रहा है। 22 को देखेंगे तो 3,32,000 बता रहा है। 21 को देखेंगे तो 3,15,000 बता रहा है। इसी प्रकार से हम सारे डेट का देख सकते हैं।